अगर आपने अभी तक हमारा सैम मुंडे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा कर सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन दिख रहा है उसको बेल आइकन दबाकर उसकी नोटिफिकेशन आप पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है सैम मुंडे। अगर आप जियो फोन अभी तक लेना चाहते हैं और अभी किसी कारण से आपने जियो फोन नहीं लिया है, आप इससे पहले आप अपने जियो की वेबसाइट से या माई जियो एप्लीकेशन के जरिए फ़ोन ले सकते थे, लेकिन अब मोबीक्विक पर भी जियो फोन अवेलेबल हो चुका है। इससे पहले हम ये बात करेंगे कि ये फ़ोन आपको कैसे मिलेगा, तो आप उससे के लिए हम जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं विंक ऑप्शन है, यहाँ पे जो फोन आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं, यहाँ पे अपना जो भी नंबर है वो डाल सकते हैं। डालने के बाद अपना एरिया का पिन कोड डाल सकते हैं और उसके ज़रिए यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू करने के बाद आपके मोबाइल पर एक SMS आ जाएगा, उसके ज़रिए आप जियो फोन कलेक्ट कर सकते हैं या बुक कर सकते हैं। जहाँ भी आपका जो जियो स्टोर होगा वहाँ पे आपका फ़ोन, जैसे ही जो माई जियो वेबसाइट के ज़रिए माई जियो के ऐप के ज़रिए आप फोन बुक कर सकते थे, उसी प्रकार से ये फ़ोन यहाँ पे बुक कर सकते हैं। लेकिन आपके पास से और एक ऑप्शन जुड़ गया है, वो है मोबीक्विक का। सबसे पहली बात ये है कि सबसे किसी वॉलेट में जियो फोन बुक करने के लिए माई जो मोबीक्विक है उसमें अब ये जियो फोन उस पर भी आ गया है। तो अच्छी बात है, आपके पास एक और ऑप्शन जुड़ गया है। अगर आप जियो फोन बुक करना चाहते हैं तो आप इसके ज़रिए जियो फोन बुक कर सकते हैं। ये छोटी सी अपडेट थी आपके लिए। अगर आपने अभी तक जियो फोन बुक नहीं किया है या जियो फोन लेना चाहते हैं तो आप मोबीक्विक के ज़रिए भी जियो फोन ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अभी तक सैम मुंडे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सैम मुंडे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलते हैं फ्रेंड, मिलते हैं ऐसे ही मोबाइल के अपडेट में।